हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। पिछली क्लास में मैंने आपको डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक समझाया था। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक क्या था कि जब हम डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं और डेप्रिसिएशन को हर बार उसी में लगाते हैं, जिस साल में मशीनरी को सेल करेंगे उस साल में उस पूरे के पूरे डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी पे मैं आज आपको एक और एग्जांपल समझा रही हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन 19 डी के गोयल की बुक का। 1 अप्रैल 2016 एक्स लिमिटेड परचेज 5 मशीन फॉर 60,000 ईच। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड 31 मार्च, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इनिशियल कॉस्ट इज चार्ज टू P&L। इसका मतलब हुआ कि डेप्रिसिएशन जो 10% है वो फिक्स है। क्रेडिट टू सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1 अप्रैल 2018 वन मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 40,000 एंड जुलाई 2019 सेकंड मशीन वाज सोल्ड 28,000। अनदर मशीनरी विद ए हायर कैपेसिटी कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019। एक और मशीनरी उससे हायर कैपेसिटी की इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को परचेज की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीन अकाउंट इस पे पूछे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर जगह छोड़ के मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए पहले आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। दिक्कत हो रही है मुझे। देखिए नहीं, 60,000 की मशीनरी थी एक, तो 10% अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो एक मशीनरी का हो गया 6,000। ऐसी ऐसी हमारे पास 5 मशीन है तो 5 मशीनों का हो गया 30,000। डेट पर्टिकुलर अमाउंट इसी तरीके से क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट से शुरू होता है, तो 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन 30,000। या तो आप इस तरीके से कह लो कि एक मशीनरी पे 6,000 है तो 5 पे 30,000 हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक मशीनरी 60,000 की है तो 5 मशीनें हो गई 3 लाख की और 3 लाख का 10%। दोनों ही बातें सही है। टू बैलेंस कैरेड डाउन, फिर 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये 30,000 और अगले साल फिर से 30,000 और लग गया क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स है, तो टोटल हो गया 60,000। अब अगले साल में ले आए अप्रैल 2018 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अब इन्होंने क्या किया है 18 में, 1 अप्रैल 18 को 1 मशीन सोल्ड 40,000, एक मशीन इन्होंने बेच दी 1 अप्रैल को ही, यानी कि साल के शुरू में ही। तो इस साल में इस मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो जितना डेप्रिसिएशन इस मशीन पे लगा होगा उसका टोटल करो, डेबिट में टू मशीनरी के नाम से डाल दो। कितना लगा होगा, 60,000 की एक मशीन दी है तो एक साल में लगा 6,000, दो साल मशीन रही है, तीसरे साल के स्टार्टिंग में तो बेची थी, तो 6,000 2017 का और 6,000 2018 का, तो ये हो गया 12,000, टू मशीनरी 12,000। अब मशीनें कितनी बची, 4, 6,000 एक पे लगता है तो 4 मशीनों का हो गया 24,000। 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन लगा 24,000, टोटल किया और बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस आ गया 72,000। अब आगे ले आइए 72,000। अब अगले साल इन्होंने क्या किया है, 1 जुलाई को एक और मशीन सेल कर दी 28,000 की, तो भाई जुलाई तक तो रही, अप्रैल मई जून 3 महीने, एक साल में एक मशीन पर 6,000 का डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं तो 3 महीने का हो गया 3/12 करके 1,500। अब देखो इस मशीन पर अब तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, ये 3 साल तो पूरे पूरे रही और चौथे साल में 3 महीने रही, तो 6,000 एक साल में लगता है, तो 3 साल में 18,000 हो गया और 1,500 इन 3 महीनों का हो गया, यानी कि 19,500। इसको डेबिट में डाल दो 1 जुलाई 2019 को टू मशीन के नाम से। अब 31 मार्च 2020 को कितनी मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगेगा, देखिए 5 में से 2 बिक गई, 3 तो ये पुराने वाली रह गई, पुराने वालियों पर 6,000 एक पे, तो 3 पे हो गया 18,000 और एक नई खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की अक्टूबर में, उस पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का, उस पर तो 5,000 तो हो गए जो नई खरीदी और पुरानी वालियों को हो गए 18,000 23,000। टोटल करो डिफरेंस करके बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस आ गया 77,000 का।
अब आप देखिए इसे मशीन अकाउंट के अंदर कैसे लेना है। मशीन के अकाउंट 1 अप्रैल 2016 को मशीन ने परचेज करी थी 3 लाख की, 60,000 की, एक टू बैंक। जब तक मशीन बिकेगी नहीं, जब तक ये बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होता रहेगा। साल के एंड में बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर अगले साल के शुरू में बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब आ गए हम 2018 अप्रैल 2018 में। इस दिन एक मशीन सेल करी थी, कितने की? 40,000 की। जितने में सेल करी बाय बैंक, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था पहली वाली पे? टोटल 12,000 का। इसको यहाँ ले लीजिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ये लॉस निकला है 8,000 रुपये का। कैसे? 60,000 की मशीनरी थी, 12,000 की डेप्रिशिएट हो गई, तो 60 में से 12 लेस करें तो मशीन आपकी बची 48,000 की। अब कोई 48,000 की मशीन आपकी 40,000 में सेल हो गई तो लॉस आपको 8,000 का हो गया, बाकी का बैलेंस 2,40,000 चार मशीनों का बच गया। इसको आगे लेके गए। अब अगले साल में क्या हुआ? 1 अक्टूबर को एक तो परचेज करी 1 लाख की, और 1 जुलाई को एक सेल करी। तो पहले सेल वाली को ले लेते हैं, कितने की सेल करी थी? 28,000 की बाय बैंक के नाम से लेको। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था? 19,500, और लॉस ऑन सेल हो गया उस पर 12,500 का। किस तरीके से? ये मशीन भी 60,000 की थी, इसमें से 19,500 आप कर लीजिए लेस, तो ये आ गया 40,500। 40,500 की मशीन भी बिकती है 28,000 में, तो आपको 12,500 का नुकसान हो गया। ठीक है, टोटल किया और बैलेंसिंग फिगर से ये बैलेंस आ गया बची हुई मशीनरी का। बची कौन सी? 3 वो वाली जो 60,000 की खरीदी थी एक, और एक वो जो नई 1 लाख की खरीदी थी। इस तरीके से 2,80,000 का इनका बैलेंस आ गया। अब एक अकाउंट और देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें कोई बैलेंस नहीं आता है, जितना भी हर साल डेप्रिसिएशन लगता है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस से ख़त्म करते जाते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से बनेगा ये, पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा था 30,000, तो साल के एंड में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और क्रेडिट में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 30,000। अगले साल भी 30,000 ही लगा था, तो अगले साल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगले साल में लगा था 24,000, तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से 24 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। उससे अगले साल में लगा था 1,500 और 23,000, तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,500 और 23,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 24,500। तो बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।